हेलो, कंटिन्यू करते हैं अपना एक चैप्टर। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सैटरडे को लाइव क्लास नहीं हुआ करेगी, ओनली संडे को लाइव क्लास हुआ करेगी। ठीक है, सैटरडे को क्यों नहीं हुआ करेगी? क्योंकि सैटरडे को ऑफिस ओपन है, तो सैटरडे को क्लास नहीं हो पाया करेगी। ठीक है, पढ़ते हैं ना। स्पीकर ऑफ द लुक सुना, स्पीकर ऑफ द लुक लोकसभा में दो तरह की दो चीज चीज होती है। एक तो इंसान जो बोलता है, और एक इंसान मतलब सुनो छोड़ो। लोकसभा इलेक्ट्स इट्स ओन स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। लोकसभा के लोग, लोकसभा में एक स्पीकर सेलेक्ट किया जाता है उन्हीं लोगों में से। और ही और सी क्या करता है? प्रेजाइड्स ओवर इट सिटिंग। ही और सी क्या करता है? प्रेजाइड्स ओवर इट्स सिटिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है? मुझे प्रेसिडेंट का मीनिंग पता है, बताया तो पहले है ना। वो क्या करता है? वो वहाँ पर एक लीडर की तरह वहाँ पर रहता है। ठीक है, अभी सिटिंग में एक लीडर की तरह काम करता है। ठीक है, डिप्यूटी कितने हैं वहाँ पर? डिप्यूटी स्पीकर, वहाँ पे एक डिप्यूटी स्पीकर होता है। देर इज ऑल्सो डिप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स इन द सेम मैनर एज द स्पीकर इज इलेक्टेड। यानी डिप्यूटी स्पीकर को भी उसी तरह सेलेक्ट किया जाता है जैसे मेन स्पीकर को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ही और सी प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर इन हिज एब्सेंस। और उसका काम क्या होता है? ये भी क्या करता है? वो अपने द लीडर वहाँ पर बैठता है लोकसभा में। और स्पीकर अगर जब नहीं होता है, स्पीकर जब नहीं होता है, स्पीकर जब मेन स्पीकर नहीं होता, तो मेन स्पीकर की जगह वो ड्यूटी करता है। मेन स्पीकर की जगह वो ड्यूटी करता है इन द एब्सेंस ऑफ मेन स्पीकर। वो कब परफॉर्म करे ड्यूटी? इन द एब्सेंस ऑफ मेन स्पीकर। ठीक है, क्या इनके पास पावर्स हैं? क्या इनके पास फंक्शन है? क्या इनके पास रोल है इन स्पीकर के? जरा देखते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। The Speaker of the Lok Sabha plays a significant role in the Lok Sabha. The present Speaker of Lok Sabha is Om Birla, who is the 17th Lok Sabha Speaker. वो कह रहा है कि स्पीकर तो स्पीकर है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब हमारे प्रेजेंट स्पीकर है लोकसभा के, वो कौन है? ओम बिरला है, जो कब बने थे लोकसभा के स्पीकर? 17th लोकसभा में बने थे। ठीक है, द स्पीकर पजेस द फॉलोइंग पावर्स, नाम याद रखते हैं। ठीक है, इनको जो पावर्स है, इससे क्या क्या पावर्स है? स्पीकर रेगुलर्स द प्रोसीडिंग्स एंड डिबेट्स इन द हाउसेस। सर, पार्लियामेंट में लोकसभा में पूरे मीटिंग लोगों के जो डिबेट्स होते हैं, और सारे डिबेट्स को ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, और जो काम होते हैं उन कामों को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, फिर स्पीकर तो ये क्या करते हैं? यूएस डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। और ये देखते हैं जो भी वहाँ पे बिल के ऊपर जो बात हो, मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, डिसाइड करते हैं इसके लिए। ये फोटो ओम बिरला के हैं, हमारे पेरेंट स्पीकर हैं। टू मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, सब पार्लियामेंट में ऑर्डर मेंटेन करते रहते हैं कि कोई कोई वहाँ पर गलत व्यवहार ना हो, किसी का बिहेवियर ना हो, लोग गलत बिहेवियर करें एक दूसरे का, इसी को ध्यान रखते हैं। और सी में नेम अ मेंबर फॉर सस्पेंशन और इन केस ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर ही और सी में एड इन द हाउस। ये क्या कर सकते हैं? ये चाहें तो किसी भी इंसान को सस्पेंड कर सकते हैं उस लोकसभा उस मीटिंग से, लोकसभा से उस टाइम के लिए। अगर कोई ज़्यादा सीरियस बदतमीजी की कोई कर रहा है, तो ये क्या किसी मीटिंग को एडजन भी कर सकते हैं, मीटिंग को कैंसिल करके पोस्टपोन कर सकते हैं नेक्स्ट डेट पर। ठीक है, द स्पीकर कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर अंडर एनी डिसेप्शन लॉ। और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ये कुछ पावर्स है। ठीक है, स्पीकर की पाँच है, ऐसे एक दो तीन चार फोर पावर्स है। ठीक है, एक और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। द ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस।
कह रहा है ये इंट्रोड्यूस जो ऑर्डिनरी बिल है ना वो कोई भी ला सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट हो, कोई मिनिस्टर ले आए, चाहे तो प्राइवेट मेंबर ले आए। हाँ ठीक है, कोई भी ला सकता है। इसका बिल इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो इसको अदर हाउस में भेजा जाता है। अब वेन द बिल इज पास बाय अदर हाउस इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट। और जब वो बिल पास हो जाता है दूसरे दोनों हाउसों से, फिर वहाँ भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, भेजा जाता है उनकी एसेंट के लिए, एसेंट लोग भी हाँ के लिए। ऐसे दिस एग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑन द बिल द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग व्हिच इज प्रेसाइडेड ओवर बाय दिस टू हाउसेज लोकसभा। वो कह रहे हैं अगर दोनों लोगों से बिल के ऊपर कुछ डिसएग्रीमेंट करते हैं, दोनों लोगों को बिल के ऊपर डिसएग्रीमेंट होते हैं, दोनों लोग मतलब दोनों हाउसेस के बीच में, लोकसभा राज्यसभा के बीच में, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुला सकता है जिसके अंदर दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलेगी। और वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का जो स्पीकर, जो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो मेन मीटिंग में क्या करेगा, एक लीडर की तरह काम करेगा। वैन द बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, तो हियर टू ऑप्शन। जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको एसेंट मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। तो या तो उसको मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे फ्रेंड, पार्टी फिर देंगे? बिल्कुल नहीं, वो कहेंगे पार्लियामेंट से, यानी कि वो पार्लियामेंट के द्वार से भेजेंगे फॉर रिकंसिडरेशन। इसमें ये करो, इसमें ये कमी है, इनको पूरा करो। और रिसीट ऑफ द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स एक्ट। और जैसे ही ये बिल, और जैसे बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, उनकी हाँ मिल जाती है, तो ये बिल क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है, लॉ बन जाता है, रूल बन जाता है। ठीक है। अ बिल रिलेटेड टू इम्पोजिंग, रिड्यूसिंग और रिपीलिंग ऑफ टैक्सेस और रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर और इनकम इज नोन एज मनी बिल। सर ये तो हो गया ऑर्डिनरी बिल। सर ऑर्डिनरी मनी बिल में क्या डिफरेंस है? मनी बिल एक ऐसा बिल है जो क्या करता है, जो रिलेट करता है, जो रिलेट करता है किससे, टैक्स से या फिर खर्चे हैं इनकम से, टैक्स एक्सपेंडिचर इनकम। ऐसे बिल टैक्स इनकम या खर्चों से रिलेट करते हैं, रिलेट करते हैं, ऐसे बिल्स को क्या कहते हैं, मनी बिल कहते हैं। ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर इट। सर इसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर है। लोग सकते हैं, प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, 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 प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना। ऑर्डिनरी बिल तो आप ऑर्डिनरी बिल के होता प्रेसिडेंट को सबसे लास्ट में जाते थे, यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। और इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। केवल किस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में, किसी में भी नहीं। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लोकसभा में ही होगी। ठीक है। इसका रीजन है क्योंकि ये जो टैक्स लोग आप लगाओ किस पर लगाओगे, नॉर्मल लोगों पर तो लगाओगे, तो नॉर्मल लोगों की मीटिंग कहाँ पर होती है, लोकसभा में फिर राज्यसभा में, लोकसभा में, तो फिर इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में किया जाएगा। ठीक है। ये इसी प्रोसेस का चार्ट है। ये एक ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल सबसे पहले जाएगा किसी एक हाउस के अंदर, तो वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा कुछ भी हो, वहाँ पर उस बिल के ऊपर वोटिंग ली जाएगी, कितने लोग एग्री करते हैं उस बिल के ऊपर, कितने लोग नहीं करते। अगर लोगों ने बोला ना तो इसको दोबारा से देखा जाएगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा, दोबारा से इसको पढ़ा जाएगा क्या करनी है क्या नहीं है। ठीक है। पास हो गया तो इसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, फिर दूसरे हाउस में वोटिंग होगी। अगर अगर वोटिंग अगर ठीक है, अब वोटिंग के बाद या तो हाँ हो जाएगी या ना हो जाएगी। अगर ना हुई तो दोनों मिलके, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में मिलके देखेंगे क्या कमी है क्या नहीं। और अगर ये वोट मिल जाते हैं तो इसको प्रेसिडेंट पास भेज जाएगा। अब प्रेसिडेंट के अगर एसेंट मिल जाते हैं तो ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है। ये चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है किस तरह का क्वेश्चन ये पूछेंगे, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए पूरी प्रोसेस। ठीक है। इस चार्ट का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। पावर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों हाउसेस हैं, इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, इन लोगों के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो लोगों के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, सब क्या होती है पावर्स ही पड़ेंगे। कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, कुछ कंट्रोल होता है इनका एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ये परफॉर्म कर पाते हैं।
ठीक है, ये अपने पेजेस आप एक बार भेजते रहिए पूरे। ठीक है, इलेक्टोरल फंक्शंस वाले फंक्शंस करने की पावर होती है, जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करने की पावर होती है, ये कुछ पावर्स होती है। ठीक है, 8-6 तरह की पावर्स होती है, जरा देखते हैं क्या होती है। पहली पहली पढ़ते हैं जरा। लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द 97 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट एंड 47 सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट। वो कह रहा है जो पार्लियामेंट ना, पार्लियामेंट की पावर है कि वो 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। दो लिस्ट हैं बेसिकली, अभी तक हम दो लिस्ट की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की लिस्ट होती है। अभी हम दो की बात करें, कि यूनियन लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो वो कह रहा है कि हमारे पार्लियामेंट चाहे ना, पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट 47 सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है, जो कि पावर से कहाँ से मिलती है, यूनियन लिस्ट से मिलती है। अब 47 सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हैं, जो कि पावर में कहाँ से मिलती है, कंकरेंट लिस्ट पर मिलती है। ठीक है, और अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मे मेक द लॉ, बट द लॉ ऑफ पार्लियामेंट सुपरसीड्स द लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सर क्या लिखा हुआ है, ये सर नहीं समझ में आएगा अब तक आपको यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का मीनिंग ना पता हो। ऐसा भी हाँ, यूनियन लिस्ट एक ऐसे लिस्ट जो पावर देती है, कि आप लॉ बनाओ, केवल किसके लिए, किसके लिए, सेंट्रल लेवल के लिए। यूनियन लिस्ट आपसे बोलती है कि आप पावर लॉ बनाओ किसके लिए, सेंट्रल लेवल के लिए, यानी पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए। कंकरेंट लिस्ट होती है जो कहती है आप लॉ बनाओ स्टेट एज वेल एज कंट्री दोनों के लिए, स्टेट एज वेल एज कंट्री दोनों के लिए। तो वो कह रहा है, वो ही लिखा हुआ है कि इन ऑन अ सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उसमें बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि स्टेट पे अप्लाई होता है स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों लोग क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, बट लॉ ऑफ पार्लियामेंट सुपरसीड्स द लॉ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है यानी यूनियन लिस्ट के अंदर जो हम लॉ बना रहे हैं, वो क्या करेगा, सुपरसीड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर वाले लॉ को। हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम उस लॉ को सबसे पहले मानेंगे जो यूनियन लिस्ट में बना हुआ है, जो यूनियन लिस्ट में बना हुआ है, क्यों, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पर वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बड़ा है, तो पहले हम उसको मानेंगे, उसके पावर सबसे ज़्यादा बड़ी। दिस एस्टेब्लिश दिस सुपेरियरिटी ऑफ पार्लियामेंट ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इससे सुपेरियरिटी मिलती है, सुपीरियरिटी मिलती है पार्लियामेंट के पास ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ नहीं है काम का। ड्यूरिंग द पार्लियामेंट हैज द रेजिडरी पावर्स ऑल्सो, पार्लियामेंट के पास कुछ रेजिडरी पावर्स ऑल्सो है। इट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट विच इज नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। सर आपने थ्री लिस्ट कैसा भी एकदम, तीन तरह की लिस्ट होती है, यहाँ पे लोग उसका जिक्र हुआ था, तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। वो कह रहा है ऊपर लिखा था कि 97 सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हो, थ्री लिस्ट में प्रेजेंट है 47 पे जो कंकरेंट में है ना, 47 जीता। हाँ, क्या आप उनके अलावा किसी सब्जेक्ट पर लॉ नहीं बना सकते, ऐसे सब्जेक्ट तो लिस्ट में मेंशन ही ना हो बना सकते, आपके पास ये पावर भी है। ठीक है, ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट में इशू एन ऑर्डिनेंस। रेसेस क्या होता है लिख लो, हॉलीडे, है ना, लिखो हॉलीडे। तो क्या ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, एंड जब पार्लियामेंट ऑफ पे होता है, जब पार्लियामेंट हॉलीडे पे होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट में इशू एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस लिख के आते हैं, बट इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन दे डिसेंबर। दिसंबर मतलब जो से क्या है, ऑफ से वापस काम पर आना, रिसेस का जैसा बोलिए, रिसेस मतलब कि ऑफ पे जाना, हॉलीडे लेना, और दिसंबर मतलब कि जैसे मीटिंग ऑफिस स्टार्ट होती है, जो से पार्लियामेंट रेडी होती है। तो लिखा हुआ द ऑर्डर सीज टू ऑपरेट 6 वीक्स आफ्टर द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट अनलेस अप्रूव बाय द अदर लेटर अर्लियर, बाय द लेटर अर्लियर। क्या मतलब पूरे का समझाओ, आपको कंट्री का जो कोई लॉ लाना है, तो लॉ लाने का तरीका क्या था,
ऐसे में ऊपर पड़ा था कि पहले बिल पास करो, है ना, पहले तो बिल लेके आओ, फिर दोनों हाउसेस में उनके वोटिंग लो, फिर जाकर प्रेसिडेंट से कंसेंट लो, ठीक है ये था। लेकिन सर अगर पार्लियामेंट बंद है, पार्लियामेंट ऑफ पे चल रही है, तब बिल कहाँ इंट्रोड्यूस करोगे? आप बिल कहाँ इंट्रोड्यूस करोगे? पार्लियामेंट तो ऑफ है, तो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। हाँ, तो ऐसे केस में पावर दी गई है अलग से कि प्रेसिडेंट चाहे तो, प्रेसिडेंट चाहे तो बिना लॉ बनाए रूल्स को अप्लाई करा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो वो एक लेटर इशू करेंगे, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस में वो सारे रूल्स वगैरह लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि पूरा एक्ट नहीं है, ये पूरा बिल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी टाइम लिमिट थोड़ी कम होती है, इसकी वैलिडिटी थोड़ी कम होती है। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है केवल 3 मंथ। क्या होती है सर? 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ, 2 मंथ से बोलो 6 वीक्स बोलो, बेसिकली 6 वीक्स आफ्टर द मीटिंग और असेंबल, आफ्टर द असेंबली, आफ्टर द पार्लियामेंट असेंबल। यानी कि ये ऑर्डिनेंस तब तक एप्लीकेबल रहेगा, ये ऑर्डिनेंस तब तक एप्लीकेबल रहेगा पार्लियामेंट के स्टार्ट होने के 6 वीक्स बाद तक। अगर पार्लियामेंट ओपन हो गई और पार्लियामेंट में अगर ये बिल, ये ऑर्डिनेंस कंसिडर नहीं किया गया, कंसिडर नहीं किया गया इस ऑर्डिनेंस के ऊपर, ऑर्डिनेंस का जो बिल था उसको बिल को पास नहीं किया गया, तो ये ऑर्डिनेंस 6 वीक्स बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये सब रूल्स सारे खत्म हो जाएंगे, तो इसकी टाइम लिमिट बहुत जरूरी सी होती है। तो ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पार्लियामेंट, बट इसको दोनों हाउस अप्रूव करेंगे, ठीक है। कब अप्रूव करेंगे? तो दिसंबर हो, और अगर दिसंबर अगर ये वो अप्रूव नहीं हो पाते हैं तो ये आफ्टर 6 वीक्स ऑफ द असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट क्या हो जाएंगे? सीज टू ऑपरेट। सीज टू ऑपरेट मतलब क्या? एक्सपायर हो जाना, एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है, अनलेस अप्रूव बाय द लेटर, है ना। अगर कोई अप्रूव नहीं करता तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर, द लोकसभा कंट्रोल द नेशनल फाइनेंसेस। सर लोकसभा के पास पावर है, क्या करती है? पूरे नेशनल लेवल पे फाइनेंस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। फाइनेंस वाला फिर वो खर्चा करने का तरीका, कमाने का, है ना, ये चीज़ों को फाइनेंस बोलते हैं। इट हैज़ द पावर टू पास द एनुअल बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। लोकसभा के पास पावर है कि गवर्नमेंट का जो बजट है ये उसको बजट को पास करती है, यानी गवर्नमेंट बजट ला कर देती है लोकसभा को कि इस तरह से पैसा लाएंगे, इस तरह से पैसा खर्च करेंगे। तो इन चीज़ों पर नजर कौन रखता है? लोकसभा रखती है, ठीक है। लोकसभा एक्सरसाइज मोस्ट पावर इन मनी मैटर्स। सर लोकसभा बेसिकली ज़्यादातर ज़्यादातर अपनी पावर यूज करते हैं मनी मैटर्स पर, है ना, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द यू गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। और ये भी कह रहा है अगर लोकसभा ने अगर कोई बजट वगैरह पास कर दिया, ठीक है, जो मनी रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज और सजेस्ट चेंजेस इन इट। राज्यसभा उसको 14 दिन लेट कर सकती है या फिर उसके चेंजेस सजेस्ट कर सकती है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस, और लोकसभा चाहे तो ये चेंजेस को एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव, कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं, सारे के सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, यानी लोकसभा में जो कुछ होता है उसके लिए सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है। दे रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज दे कंटिन्यू टू एंजॉय द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। वो लोग अपना काम अपने ऑफिस में तब तक रह पाएंगे तक वो क्या कर रहे हैं, लोकसभा के लोगों का कॉन्फिडेंस जीत रहे हैं, सुपर मेजोरिटी। यानी कि कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तब तक रहेंगे जब तक वो लोगों का भरोसा लोकसभा में जीते हुए हैं, ठीक है। काउंसिल के मिनिस्टर जो है ना, मिनिस्टर कब तक रहेंगे? जाता है वो मेजोरिटी बाय मेजोरिटी क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं लोकसभा के लोगों का कॉन्फिडेंस लिए हुए हैं कि ये सही है। जिस दिन उन्होंने कॉन्फिडेंस खोआ उस दिन वो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं, ठीक है, उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी मूव्ड इन आइदर हाउस। वो कह रहा है अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको इम्प्रूव करना है, अमेंड करना है, तो उसका जो बिल होगा वो आप किसी भी हाउस में डाल सकते हो, ठीक है। इट हैज़ टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेस बाय अ सिंपल मेजोरिटी और बाय 2/3 मेजोरिटी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं हम लोग पास होने के लिए तो मेजोरिटी वोटिंग मिल जाए, मेजोरिटी में वोटिंग मिल जाए 50% से ज़्यादा, या फिर उसका 2/3 मिल जाए। 2/3 मिल जाए, 2/3 का मतलब होता है 66.67% वोटिंग मिल जाए, ठीक है, जो कि आर्टिकल 368 हमारा कहता है कुछ काम करने यहाँ पे।
इलेक्टोरल फंक्शन, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर एवरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस. लोकसभा ऑल्सो इलेक्ट मिस्टर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. तो ये कुछ इलेक्शन वाली पावर की बात कर रहे हैं कि कौन उसकी इलेक्टर है. तो वो कह रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सब जो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्टेड हो चुके हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है ठीक है लोकसभा राज्यसभा के, वो लोग क्या करेंगे अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोगों के साथ मिलकर क्या करेंगे, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे. एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे जहाँ से वो क्या करेंगे लोग इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फिर वो लोग मिलकर क्या करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करेंगे ठीक है. यानी पता है ना, मैं आप पता चलेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. देखो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो भी किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही ठीक है. और लोकसभा का लोकसभा ऑफिस को इलेक्ट करती है, लोकसभा इलेक्ट करती है अपने स्पीकर को डिप्यूटी स्पीकर को ठीक है. सारे इलेक्ट इलेक्ट करने की बात की गई है. जुडिशियल फंक्शन, द पार्लियामेंट एक्सरसाइज द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट The Vice President and the judges of the Supreme Court and High Courts, according to the procedure laid down for the purpose. Impeach का मतलब लिखो. लिख लिया. Impeach का मतलब लिखो. पार्लियामेंट एक्सरसाइज द पावर टू इम्पीच द ब्लेम करना. हाँ ब्लेम करना लिख लो. ब्लेम करना ब्लेम और डाउट है ना, ब्लेम और डाउट सस्पेक्ट करना ठीक है. शक करना, शक मेरा पार्लियामेंट का पावर है. पार्लियामेंट का पावर है कि वो चाहे वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के, उनके ऊपर क्या कर सकते हैं शक करने का आरोप लगा सकते हैं, उनके ऊपर शक कर सकते हैं ठीक है. क्योंकि उनको ये पावर मिली हुई है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेट डाउन फॉर द पर्सन. उनको एक कैसे पावर मिली हुई है ठीक है. द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो पनिश अ पर्सन फॉर डिस्टर्बिंग इट्स वर्किंग और फॉर सोइंग डिस्टर्बेंस फॉर द हाउस एज सच. वो कह रहे हैं पार्लियामेंट के पास पावर ये भी है कि अगर कोई इंसान उनकी वर्किंग को अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, तो उस इंसान के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा. तो सर राज्यसभा पहले पढ़ तो लो, तो राज्यसभा का करते हैं. तो ये तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, अगर स्टार्ट करते हैं राज्यसभा. जैसे लोकसभा थी वैसे राज्यसभा है ठीक है. कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये इलेक्टेड मेंबर्स तक पढ़ लिया था मैंने ना, इलेक्टेड मेंबर्स तक पढ़ लिया था. नहीं यहाँ तक राज्यसभा से पढ़ना है ठीक है. कितने फिजिक्स है राज्यसभा के, एक दो तीन, नहीं दो ही है ठीक है. पढ़ते हैं राज्यसभा ठीक है. राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं. काउंसिल ऑफ स्टेट्स इट इज आल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ठीक है. द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड दिस हाउस लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स रीजन और फेडरल यूनियन. अगर लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस मैं आपको अभी बता सकता हूँ, वहाँ पर तो दिख से जाना, यहाँ पे मैं आपको समझा सकता हूँ. लोकसभा में जो बेसिकली लोग होते हैं वो पता है कौन होते हैं, जिनको जनरल पब्लिक इलेक्शन के टाइम पर सिलेक्ट करती है. इलेक्शन के टाइम पर अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करती है जिसको हम वोट देने जाते हैं ठीक है. तो वो तो होते हैं लोकसभा में, यानी लोकसभा में तो होते हैं लोगों के पीपल से, उसको बोला जाता है लोकसभा, लोगों के लोग लोकसभा ठीक है. यानी वो लोग तो हर अलग अलग लोकेलिटीज के होते हैं. एक दूसरी मीटिंग होती है जहाँ पर स्टेट वाइज लोग होते हैं. अब यहाँ पर लोकेलिटी वाइज नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है कि इस स्टेट का एक पर्सन होना चाहिए, उस स्टेट का एक पर्सन होना चाहिए, इस स्टेट का एक पर्सन होना चाहिए, यहाँ स्टेट के मिनिमम लोग होने चाहिए. तो यहाँ के अंदर इसके अंदर जो लोग बैठते हैं वो किसी लोकेलिटी के नहीं बैठते,
वो किसी लोकेलिटी के नहीं बैठते, वो बैठते हैं तो कहाँ के बैठते हैं, स्टेट्स के, रीजन्स के, और जो फेडरल यूनिट्स होती हैं वहाँ के लोग बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था। इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब क्या है, इनको हम लोग वोट देकर इलेक्ट नहीं करते, इनको हम लोग वोट देकर इलेक्ट नहीं करते, अलग तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कौन इलेक्ट करता है बेसिकली इनको, लोकसभा के लोग इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन कैसे बनती है राज्यसभा, द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा सिक्स एट 250 मेंबर्स, इनके जो मैक्सिमम नंबर जो है वो कितने हो सकते हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं। हाँ बेशक आज के टाइम पे एट प्रेजेंट इट हैज 245 सीट्स, आज के टाइम पे बेशक इसका 245 सीट्स ऑक्यूपाइड है, 5 सीट्स खाली है अभी भी। तो अगर देर आर टू कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स, ऐसे एक इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसको लोकसभा के लोग इलेक्ट करते हैं, एंड सेकेंड द नॉमिनेटेड मेंबर, और दूसरे नॉमिनेटेड, कोई नॉमिनेट कर देता है, प्रेसिडेंट वगैरह कर देता है नॉमिनेट, है ना, तो वो लोग। देर आर 238 इलेक्टेड मेंबर्स हु रिप्रेजेंट द 20 स्टेट्स, तो यहाँ पर 238 लोग होते हैं जो क्या करते हैं 28 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 28 स्टेट्स देखो तक तो 28 ही है यहाँ पे, तो कितनी पुरानी लिखी हुई है ये। एंड 8 यूनियन टेरेटरीज, और 8 यूनियन टेरेटरीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूडिंग एनसीटी दिल्ली, यानी क्या दिल्ली का पूरा नाम ले रहे हैं, दिल्ली को मिलाकर, है ना। इसके चेयरमैन कौन है अपर हाउस के, वेंकैया नायडू, जिसको जो कौन है बेसिकली प्रेसिडेंट जो होते हैं, है ना। पढ़ेंगे अभी चार्ट पूरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा, सब प्रेसिडेंट क्या करते हैं 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए, दीज आर एमिनेंट पर्सन, ये काफी फेमस पर्सन होते हैं अपने फील्ड में, हो सकते हैं लिटरेचर में ज्यादा पढ़े लिखे, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, किसी चीज में फेमस हो सकते हैं ये। दे आर नॉमिनेटेड फॉर सिक्स ईयर्स, इनको 6 ईयर्स के लिए नॉमिनेट किया जाता है, विद अ प्रोविजन दैट 1/3 शैल रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, जिसमें ये बेसिकली प्रो रूल होता है कि 1/3 1/3 लोग रिटायर होते जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली दिस नॉमिनेशंस आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो कैसे रिकमेंड कैसे करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट कैसे करते हैं, तो प्रेसिडेंट खुद से नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं बेसिकली एडवाइस देते हैं कि ये इंसान अच्छा है इसको सेलेक्ट कर लो, ये इंसान सही है, या फिर उनको कुछ सही लगता है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं, तो दोनों मिलकर आपस में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्शंस होती है राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लोकसभा, तो बोला थे मैंने कि यहाँ के लोकसभा के लोग उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अपडेट स्टेट बाय मीन्स ऑफ प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम, और सब वो कैसे करते हैं, सब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं कि अगर यूपी का हमें एक यूपी के अगर हमें मेंबर सेलेक्ट करने हैं राज्यसभा, यूपी की जो राज्यसभा है, मतलब राज्यसभा में हमें यूपी के कुछ लीडर्स सेलेक्ट करने हैं, तो यूपी रीजन के जितने भी लोकसभा में मेंबर्स होंगे वो सारे लोग यूपी वाले एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, आप यूपी वाले लोग किसी एक पर्सन को वोट देंगे, ठीक है। तो बंसन यूपी का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, यूपी का यूपी वाले को वोट देगा, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल वाले को देगा, मध्य प्रदेश वाले मध्य प्रदेश वाले को देगा, तो प्रोपोर्शनल जो जहाँ का है वो उन्हीं को देगा, किसी और को नहीं देगा, ठीक है भाई। आप वोट सिस्टम वोटिंग के थ्रू होगा ये सारा काम, ठीक है। द राज्यसभा एट प्रेजेंट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स, पढ़ चुके हैं, ऑफ विच 230 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड, इसमें से सर 233 इलेक्ट हो चुके हैं और 12 नॉमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा, यानी वो चार्ट जो अभी तक मैंने पढ़ा वो सारा चार्ट दिया हुआ है, राज्यसभा में मैक्सिमम लोग कितने होते हैं 250, अभी तक कितने सेलेक्ट हो चुके हैं 238, है ना, वो स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरेटरीज के लिए, और 12 लोगों को नॉमिनेट किया गया, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होनी चाहिए, आपके 30 ईयर्स से उससे अबव होनी चाहिए, आपके पास अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, धीरे धीरे हम टाइम टू टाइम हम बताते जाए, ठीक है। टेनर ऑफ राज्यसभा, तो ये 6 टाइम का टेनर होता है इसमें,
रस ऑफ इज द परमानेंट हाउस इस मेंबर हैज अ टर्म ऑफ 6 इयर्स हर क्विस्ट सेमिनी ही इंटर रूल किया था यहाँ पे 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी 2 इयर्स। वो कह रहा है 1/3 तो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं एंड इक्वल मेंबर नंबर ऑफ न्यू मेंबर इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू फिल द वैकेंसीज। और सर जितने लोग रिटायर होते हैं सेम नंबर ऑफ पीपल दो से सिलेक्ट किए जाते हैं फिर नॉमिनेट किए जाते हैं किस लिए टू फिल द वैकेंसीज उनकी खाली जगह को भरने के लिए, ठीक है, जो कि उनके रिटायरमेंट की वजह से हुई है खाली जगह, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हम सेम नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं नॉमिनेट करते हैं। द प्रेजाइडिंग ऑफिसर सर ध्यान रेख करने वाला ऑफिसर यहाँ पे कौन होगा, वहाँ पर तो पीएम होते थे यहाँ पे कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये प्रेजाइड्स ओवर इट्स मीटिंग, ये पूरी मीटिंग में देख रेख रखते हैं। बट ही हैज नो राइट टू वोट, पर ये किसी को वोट नहीं दे सकते। ही कैन हाउ एवर एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, हाँ ये केवल एक ही केस में वोट डाल सकते हैं अगर टाई हो जाता हूँ, ऐसे बोर्ड को देता है कास्टिंग बोर्ड। सपोज अगर कोई मैटर है, एक मैटर है पढ़ाई बंद करने का बिल आया, पढ़ाई बंद करने के लिए एक लॉ आया, ठीक है, अब वहाँ पे राज्यसभा लोकसभा, अब वहाँ पे राज्यसभा में दो पार्टी होती है एक अपोजिशन और एक रूलिंग पार्टी, ठीक है ठीक है, तो वो दोनों वोट कर रहे हैं, तो वोट कर रहे हैं तो दोनों के वोट सपोज करो इक्वल आ गए 125-125 वोट आ गए, तो ऐसे केस में कौन जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा, जिसके ज्यादा होते हैं वो तो जीता है, यहाँ पे तो उनके बराबर, तो ऐसे केस में ये केवल वोट डाल सकते हैं, अगर एक के ज्यादा एक के कम है तो ये वोट नहीं डाल सकते, अगर दोनों के वोट बराबर है तब ये अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब वेंकैया नायडू की फोटो है, ठीक है। वर्किंग पैटर्न ऑफ राज्यसभा, वर्किंग पैटर्न ऑफ राज्यसभा द सेशन ऑफ द राज्यसभा इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ट्वाइस अ ईयर विद अ गैप ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ बट इन द 2 सेशन। वो कह रहा है जो सेशन होते हैं ना राज्यसभा की जो मीटिंग होती है वो हर साल में 2 बार बुलाई जाती है, कम से कम 2 साल बुलाई जाती है, और दोनों मीटिंग में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, यानी हर 6 महीने में एक बार बुला ली जाती है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो कॉल अ स्पेशल सेशन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट चाहे तो एक स्पेशल सेशन बुला सकते हैं एक्स्ट्रा में। इट फंक्शंस थ्रू अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन टर्म नंबर ऑफ कमिटीज सिंगली और जॉइंटली विद लोकसभा, ये जो अपने काम करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के साथ करते हैं और बहुत सारी कमेटीज होती है उनके साथ मिलकर करते हैं, है ना, लोकसभा के साथ में ये करते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिस से समझ लो बाय वर्चुअल ऑफिस, राज्यसभा का मीनिंग तो बताइए, ठीक है। कोरम ऑफ राज्यसभा, कोरम मतलब मिनिमम नंबर कितना चाहिए, एक मीटिंग होती तो मीटिंग कब होगी, जब एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ पर्सन, सफिशियंट अमाउंट ऑफ पर्सन पे अवेलेबल हो। मान पर हमने मीटिंग करी है 250 लोग बेसिकली ग्रुप में होते हैं, हमने कहा कि चलो हमें एक टॉपिक पर बात करनी है मीटिंग रखते हैं, 250 में से 2 लोग आए तो क्या मीटिंग होगी क्या दो लोगों के बीच में ना। तो उन्होंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू कंडक्ट अ मीटिंग वो कितने होने चाहिए। सर ये मिनिमम नंबर जो होते हैं ना ये मिनिमम नंबर्स वो बोलते हैं कोरम, अरे मिनिमम नंबर्स कितने होने चाहिए, तो ये कम से कम 25 मेंबर्स तो होने चाहिए, 25 राज्यसभा के मेंबर्स तो होने चाहिए बिफोर अ मीटिंग और सेशन ऑफ राज्यसभा कैन बी हेल्ड, तभी उससे पहले है ना, यानी अगर 25 लोग होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट हो पाएगी, तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। सैलरी अलाउंस एंड एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एट प्रेजेंट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्रॉ मंथली सैलरी 50,000। वो कह रहा है अगर एट प्रेजेंट अगर बात की तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी मंथली सैलरी कितनी होती है, 50,000 रुपये तो उनकी मंथली सैलरी होती है एंड डेली अलाउंस ऑफ 2,000 रुपये और डेली के उनको 2,000 रुपये मिलते हैं अपने खर्चों के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन जैसा डेली मिलेगी फिर 65 डेज मिलेंगे, जब जब सेशन चल रहा है तब तक उनको मिलते हैं, आने जाने का खर्चा होता है खाने पीने का खर्चा होता है, तो उन दिनों में उनको 2,000 रुपये हर रोज मिलते हैं जब सेशन होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अकोमोडेटिंग इन डेली फ्री डेली डेली फ्री ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया एंड फ्री 1,50,000 लोकल कॉल्स इन इंडिया अलॉन्ग विद प्राइस ऑफ 8,000। उन लोगों को फ्री रहने के बेनिफिट है, सब बेनिफिट दिए जाते हैं, फ्री ट्रेवल करने का बेनिफिट दिया जाता है, फ्री कॉल्स करने के बेनिफिट दिए जाते हैं। सर फ्री कॉल्स क्यों लिखा हुआ है, पहले के प्रोग्रेस लिखे हुए आज के टाइम पर तो वैसे बहुत चीप हो गई रेट, तो वो उनका कॉलिंग बहुत फ्री मिलती है विद पेंशन ऑफ 8,000। पैसा मतलब है वो पैसा जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, तो उनको 8,000 रुपये रिटायरमेंट के बाद भी मिलते रहते हैं। अंडर द एम पी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, उनकी कुछ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है, तो आप मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन स्पेंड एनअली अप टू 5 करोड़ रुपीज इन अ स्टेट ऑफ विच ही इज रिप्रेजेंटेटेड। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे तो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए
एक साल में ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। सर एमपी का एमएलए यूपी के लिए खर्च कर सकता है? नहीं, एमपी का एमएलए एमपी के लिए करेगा, वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस स्टेट को, वो सी स्टेट के लिए क्या करेगा, खर्च करेगा इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कंसल्ट करने के बाद ही है ना। तो ये आपका राज्यसभा भी हो गया, लोकसभा भी हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाद में इनके बीच में डिफरेंस पड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।